दोनों योजनाओं में 2001 की जनगणना को आधार मानकर 2030 तक की जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पेयजल क्षमता की योजना बनाई गई थी। उपरोक्त संचालित दोनों योजनाओं की क्षमता 2030 को समाप्त हो जाएगी, वो अभी भी उक्त योजना में पेयजल सप्लाई का अभाव है। मेरे क्षेत्र की जनता फ्लोराइड और नाइट्रेट युक्त नलकूपों का पानी पीने को मजबूर है। शेरगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के कार्यों में शेष रहे राजस्व गांव एवं ढाणियों को जोड़ने के लिए सर्वे कर डीपीआर बनाकर जल जीवन मिशन की सतही जल योजना की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति जारी करवाने के संबंध में प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में पेयजल संकट को देखते हुए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा RD 159.5 खुड़ियाली जियाबेरी आगोड़ई एवं RD 134 नाथराऊ देवाणिया वृहद जल प्रदाय योजना स्वीकृत की गई थी। RD 159 में 77 राजस्व गांवों को लाभान्वित किया गया था। वर्तमान में RD 159.5 योजना के 127 राजस्व गांव जोड़ने के लिए जल जीवन मिशन में प्रोजेक्ट के अलावा स्कीम OTMP में भी छोटी छोटी योजनाएं बनाकर इसी योजना से जोड़ी गई है। इसी प्रकार RD 134 जिसमें 284 राजस्व गांवों को लाभान्वित किया गया था, इन दोनों योजनाओं में 2001 की जनगणना को आधार मानकर 2030 तक की जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पेयजल क्षमता की योजना बनाई गई थी। वर्तमान में RD 134 से 332 राजस्व गांव जोड़े जा चुके हैं तथा जल जीवन मिशन में 280 गांवों हेतु वृद्ध परियोजना व 52 गांवों हेतु OTMP में भी छोटी छोटी योजनाएं बनाकर पूर्व में स्वीकृत उपरोक्त योजनाओं से ही जोड़ा जा रहा है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है, जिनमें नवीन फिल्टर प्लांट, डिग्गी, मुख्य पंपिंग स्टेशन, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पंपिंग स्टेशन, राजस्व गांव मुख्यालय पर CWR बूस्टर व नवीन मुख्य राइजिंग पाइपलाइन से पंपिंग स्टेशन को जोड़कर पंचायत मुख्यालय पर पंपिंग स्टेशन को नवीन पाइपलाइन एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय के पंपिंग स्टेशन से राजस्व गांव मुख्यालय पर बनने वाले CWR बूस्टर को नवीन पाइपलाइन से जोड़कर राजस्व गांव के CWR बूस्टर से स्टार पैटर्न पर नवीन पाइपलाइनों द्वारा ढाणियों को जोड़कर पेयजल से लाभान्वित किया जाए। इन दोनों योजनाओं में OTMP योजना में नहरी सतही जल लाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उपरोक्त संचालित दोनों योजनाओं की क्षमता 2030 को समाप्त हो जाएगी, वो अभी भी उक्त योजना में पेयजल सप्लाई का अभाव है। वर्तमान में ये दोनों योजनाएं क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे आगामी 30 वर्षों तक जनता को पेयजल से लाभान्वित नहीं किया जा सकेगा। फिल्टर प्लांट भी पुराने हो चुके हैं तथा इनकी क्षमता भी समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में जनगणना 2011 के आंकड़े हैं एवं जनसंख्या के बढ़ने तथा नवीन घोषित राजस्व गांव व ढाणियों को जल कनेक्शन से वंचित रहने के कारण उक्त योजनाएं पर्याप्त नहीं है। मेरे क्षेत्र की जनता फ्लोराइड और नाइट्रेट युक्त नलकूपों का पानी पीने को मजबूर है, अतः RD 159.5 एवं RD 134 वृहद जल प्रदाय योजनाओं के क्षेत्रों में जल जीवन मिशन में पेयजल से वंचित राजस्व गांव और ढाणियों को जोड़ने के लिए संशोधित योजना की सर्वे कर DPR तैयार कर DPR अनुसार जल जीवन मिशन में विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ को पेयजल से लाभान्वित करने के लिए प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी करवाकर शेरगढ़ वासियों को पेयजल संकट से निजात दिलाएं। धन्यवाद।